एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने टोटल 7 चैप्टर ओवर कर दिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। तो आप जैसे कि आप सबको पता है कि रिवीजन सीरीज स्टार्ट है मेरे चैनल पे, जहाँ पे मैंने पूरे 7 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से थोड़े थोड़े पार्ट में डिस्कस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग को। तो ये बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में टोटल 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो अगर ये आप चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके 15 मार्क्स फिक्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली मार्केटिंग जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट क्या है। मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे एक बायर और एक सेलर कांटेक्ट में आते हैं एंड गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और उसके बाद मार्केटिंग क्या होता है, गुड्स के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, वो है मार्केटिंग। चलिए इसको हम समझते हैं। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग और फंक्शन, एंड लास्ट में पढ़ेंगे हम मार्केटिंग मिक्स। चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो देयर इज़ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन ऑल मोस्ट ऑल वॉक ऑफ लाइफ एंड बिजनेस। चाहे आप कहीं पर भी जाओ, मिस आपको हर जगह एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देखने मिलता है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस इन द प्रोडक्ट मार्केट। तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना होता है। गुड्स के लिए गुड्स में वैरायटी लानी होती है, प्रोडक्ट आपको एक अच्छी तरीके का देना होता है जिससे कंज्यूमर चॉइस कर सके, और अच्छी तरीके से इन द सेंस वैरायटी देना होता है कि कंज्यूमर जो है वो चॉइस कर सके। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक कंपनी कंज्यूमर को जाने और कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ लॉयल बनाकर रखे, बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। एंड देर आर मेनी सोर्स लाइक इंटरनेट, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इन सब के वजह से, इन सब से जो डेटा होता है वो कलेक्ट होता है, जो भी नेसेसरी डेटा होता है कलेक्ट होता है अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस। जैसे एक कंज्यूमर है, जैसे मैं हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले उसको पहले गूगल पे सर्च करती हूँ कैसा है, क्या है, स्पेशली मेडिसिन, तो मेडिसिन के बारे में सारी चीज़ें जानती हूँ, फिर मैं उसे लेती हूँ। सो इट मेक्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द बिजनेस टू रिटेन एंड एक्सपांड द ब्रांड इन द माइंड ऑफ कस्टमर। सो मार्केटिंग इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न डेज लाइफ। सो मार्केटिंग इज़ अ परवेसिव इन नेचर एंड इट अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ इट इज़ पॉसिबल मैनर। तो मार्केटिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखो, हम प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कैसे होते हैं, जब उसका विजुअल पिक्चर देखते हैं कि अच्छा इससे ये होता है, अच्छा इससे ये बेनिफिट मिलता है, अच्छा ये ऐसा होता है, तो हमारा अट्रैक्शन टुवर्ड जो कमोडिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है। तो मार्केट इज़ अ बोथ आर्ट एंड साइंस एज वेल, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट मोटिवेट ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग एज अ डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट। इन फैक्ट टुडेज़ मार्केटिंग इज़ रिगार्ड एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस। क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। देखो क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों का, जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर मेरा यूट्यूब नहीं ग्रो हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ ऐसा कि मैं यूट्यूब एडसेंस के थ्रू मैं अपने चैनल का एडवर्टीजमेंट दूँ ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और मुझे मेरे चैनल को एक्सपांशन मिले, है ना। तो जब तक मैं लोगों तक अपना चैनल पहुंचाऊंगी नहीं तब तक वो पहुंचेगा नहीं। ये क्या है कि YouTube जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, हल्का हल्का, मतलब लाइक कुछ स्टूडेंट्स को सर्च में मिल जा रहा है, कहीं पे ब्राउज़र फीचर हो जा रहा है, बट जब मैं खुद से प्रमोट करूँगी, मार्केटिंग करूँगी मेरे चैनल का, तो लोगों तक मेरे चैनल पहुँचेगा और एक्सपांशन होगा। तो मार्केटिंग जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर अ बिजनेस। सो नीड ऑफ मार्केट अराइज बिकॉज द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन लोअर ऑफ डिमांड एंड सर्विसेज ओवर ईयर। जब हमने गुड्स बना, अब मैंने कितने सारे वीडियो बना दिए पर लोगों को तक नहीं पहुँच रहा है, एक रीज़न ये भी है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पर, है ना। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सेम कॉन्टेंट सेम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो अलग मेरे में होना चाहिए, मैं भी सेम अगर मेथड यूज़ कर रही हूँ तो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो बहुत टाइम से एक चैनल के लिए लॉयल है वो वहाँ पे स्टिक है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बिजनेस में भी एज इट इज़ होती है। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंक्रीज मार्केट शेयर बाय प्रेजेंटिंग देमसेल्फ डिफरेंट देन कॉम्पिटिटर। तो हर एक कुछ देखो, मैंने कुछ टीचर्स को देखा है जो एनिमेशन के थ्रू पढ़ाते हैं, है ना, अब उनके अंदर टैलेंट है, उनको कुछ पता है, कुछ और तरीके से पढ़ाते हैं,
या उनके पास डिजिटल ब्लैक बोर्ड है उनका यूज़ करते हैं, फेस दिखाकर पढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से की जाती है और अपने बिजनेस को कह सकते हैं, यूट्यूब को कह सकते हैं, ग्रो किया जाता है। सो मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट वेयर द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी हाई एंड मार्केटिंग प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एज टू द बिजनेस। इट हेल्प गेन लॉयल कस्टमर थ्रू इम्प्लीमेंटिंग गुड मार्केटिंग प्लान। अब इसके लिए अच्छी मार्केटिंग प्लान होनी चाहिए। कन्विंसिंग समबडी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। किसी को कन्विंस करना, जैसे अब मैं ये पढ़ा ही रही हूँ लेकिन मैंने अगर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वीडियो डाला होता कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, ऐसा ऐसा करना चाहती हूँ, तो शायद लोगों को मैं कहीं ना कहीं कन्विंस कर पाती कि लाइक देखो इसके लिए भी ऐसा है कि मार्केटिंग मतलब स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ करने जाते हैं उसके पहले आपको स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना स्ट्रैटेजी की चीज़ें ग्रो नहीं होती है, तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बात करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की। तो मीनिंग क्या है? मार्केटिंग इज अ की फंक्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। वी आर एक्सपोज टू मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड आइडल ऑलमोस्ट एवरी डे, है ना। हम हर दिन किसी न किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट देखते ही हैं। स्टडी ऑफ मार्केटिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एज एवरी वन अस परफॉर्म मार्केटिंग एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द अदर फॉर्म। जैसे आप आजकल शुगर कॉस्मेटिक फैक्ट्री जो है बहुत ही फेम में है, स्पेशली वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो मतलब बहुत ही कम टाइम में लोगों के बीच फेमस हुई है ना। तो उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने प्रोडक्ट को एडवर्टी, अभी आप हर इन्फ्लुएंसर आपको रिकमेंड करता है, तो वो क्या है, एक मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। तो ऑन ऑडियंस मीडिया प्लेटफॉर्म एंड बिजनेस इन चेंज मार्केट। डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के यहाँ से आई है। सो मार्केटिंग इज़ एन एक्टिविटी सेट अप इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेस for creating, communicating, delivery, exchange, offering, have value for a customer, client, partners and society at last। तो marketing क्या है? एक ऐसी activity है जहाँ पर हम institution को set करते हैं, जहाँ पर हम process में कुछ बनाते हैं, फिर लोगों के साथ communicate करते हैं, उनको delivery करते हैं, offers को exchange करते हैं और एक वैल्यूएबल कस्टमर को पाते हैं, आगे या फिर क्लाइंट कह सकते हो या पार्टनर कह सकते हो या सोसाइटी में अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। फिलिप कॉटलर कहते हैं मार्केटिंग इज़ अ सोसाइटल प्रोसेस विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड व्हाट एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ अ वैल्यू विद अदर। ये भी काफ़ी इजी डेफिनेशन। इनका भी कहना है कि एक सोसाइटल प्रोसेस है जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन करता है, जहाँ पे वो देखता है लोगों की नीड क्या है, उसके हिसाब से गुड्स को क्रिएट करता है और उन्हें ऑफर करता है फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट के लिए और सर्विस को वैल्यूएबल बनाता है। जो लास्ट डेफिनेशन वो भी काफ़ी ईजी है। तो मेरा ये है कि आप खुद से पढ़ो और समझो। दो डेफिनेशन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत, क्योंकि ये रिविजन सीरीज़ है तो इसलिए हम जो दो इजी है वही कवर करेंगे, जो रेस्ट हम पूरा पढ़ेंगे उसमें मैं आपको सारे चीज़ें डीप में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो द टर्म मार्केट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज़ मैक्रोट्स विच मीन्स ट्रेड टू ट्रेड मर्केंडाइज और अ प्लेस वेयर बिजनेस इज ट्रांजैक्ट। इट इन सिंपल वर्ड मार्केट इज़ द प्लेस वेयर टू और मोर पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग। मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया मार्केट का मतलब आपको। एंड दीज टू पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन आर कॉल्ड एज बायर एंड सेलर। दो लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है जहाँ पे मॉनेटरी एक्सचेंज के हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। बात करते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। So the term market is commonly understood as the place where transaction of buying and selling of goods and services take place in exchange of money and money worth। एक ऐसी जगह है जहाँ पर पैसे के बदले goods and services का exchange होता है। It is a place where buyer and seller and other intermediate come together and exchange the goods and services। ओल्डन डेज में अगर ट्रेडिशनल डेज की बात करें तो प्लेस प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डेफिनेशन डेफिनिंग मार्केट, बट
इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द टर्म मार्केट इज़ वाइडर देन जस्ट अ प्लेस. अभी आप देखो, आप इंटरनेट पे जाओ, कितने सारे ऐप, वो भी एक तरीके का मार्केट है ना, वहाँ पे भी आप डील ही करते हो गुड्स एंड सर्विसेज का. बायर सेलर से खरीदता है और सेलर जो है बायर को बेचता है. सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है. पर अर्लियर जो था वो प्लेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बट अभी के टाइम में ऐसा है लेकिन इतना हद तक नहीं है. नेक्स्ट इज कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. देखो, मार्केट है तो वहाँ पे कुछ खरीदने और बेचने के लिए कुछ तो होना चाहिए, यानी कि कमोडिटी होनी चाहिए, तभी तो खरीदा बेचा जाएगा. सो इन दिस कॉन्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज इम्पॉर्टेंट, नॉट अ प्लेस और एक्सचेंज इज इम्पॉर्टेंट. खरीदना या बेचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो इन दिस प्रोसेस बायर एंड सेलर एज वेल एज कमोडिटी एक्सचेंज अमॉन्ग देम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. कमोडिटी का एक्सचेंज होना वो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज़ कम्पेयर टू प्लेस या और कोई चीज़. अब यहाँ पे एक्सचेंज की बात आती है, यानी पैसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पैसे के कमोडिटी एक्सचेंज नहीं होगी. मॉडर्न डे की बात करूँ, पहले तो बार्टर सिस्टम भी था, पर अब बार्टर सिस्टम नहीं रहेगा, तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है. सो एक्सचेंज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट हैज़ गिवन एम्फसाइज ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर विद फ्री कंसेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट. अब यहाँ पे फ्री कंसेंट म्यूचुअल ट्रस्ट की बात यह है कि जब मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा किसी बायर सेलर के पास से, तो पैसा देने के बाद मुझे ये अश्योरिटी आती है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैं उसको चेक करके लेती हूँ, फिर एक ट्रस्ट गेन होता है. तो उस तरीके का लेती हूँ कि मुझे फ्री, बाद में अगर मान लो प्रोडक्ट डिफॉल्ट निकलता है तो ये शायद वापस करके भी देखा. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं. एंड देयर शुड नॉट बी एनी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसील अंडर द इन्फ्लुएंस अंडर ड्यूरिंग द एक्सचेंज, या किसी भी तरीके का कह सकते हैं कि फ्रॉड नहीं होना चाहिए. एंड द एक्सचेंज शुड बी वॉलंट्री बिटवीन, दोनों के बीच जो है, अगर कोई, मैंने बताया भी कि गुड्स अगर में डिफेक्ट निकलता है तो दोनों म्यूचुअली उस चीज़ को कंसिडर करें और एक्सचेंज भी करें. अब यहाँ पे एरिया की बात करते हैं, एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. सो एरिया कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट रिलेटेड टू एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, ये एक्सचेंज कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है. बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट गिव एम्फसाइज ऑन फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर, फिक्स द प्राइस ऑफ गुड्स फॉर सेलिंग गुड्स बाइंग एंड सेलिंग, एंड द प्राइस फिक्स बिटवीन बायर एंड सेलर इम्प्लाइज इन द सर्टेन एरिया ओनली. अभी कुछ शॉप की बात करते हैं या कुछ कंपनीज़ की बात करते हैं जो सर्टेन एरिया में ही एग्जिस्ट करती हैं, और वहाँ के जो लोकल बायर होते हैं उन्हीं को ही गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं. इन दिस कॉन्सेप्ट नॉट नेसेसरी फॉर बायर एंड सेलर टू मीट इन पर्सन नॉट और फॉर फिक्सिंग द प्राइस. बायर एंड सेलर कैन रेगुलरली टेक हेल्प इन डिफरेंट मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडिया एक्सचेंज गुड्स. अब यहाँ पे एक तो लोकल की बात होती है, दूसरा जो होता है ये होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग कह सकते हो, जहाँ पे कहीं कंपनी कहीं पे भी है लेकिन आप फिर भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं घर बैठे बैठे. ये डिपेंड नहीं करता है कि एरिया कहाँ पे है, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज डिमांड और कस्टमर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. देखो, क्योंकि कस्टमर जो है वो किंग है मार्केट का, इसलिए कस्टमर के नीड को फुलफिल करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट इज एक्सेस टू नीड और डिमांड फॉर अ कस्टमर. भाई, कंज्यूमर का डिमांड जो है वो अगर फुलफिल होगा या उसके अकॉर्डिंग गुड्स होगा, तभी जाके कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा और आपके यहाँ से गुड्स बार बार परचेस करेगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर फॉर एनी प्रोडक्शन इज मार्केट. एग्रीगेट का डिमांड का मतलब होता है जो टोटल डिमांड होता है वो इस पर डिपेंड होता है कि पोटेंशियल बायर कितने हैं, कितने ऐसे परसेंट ऑफ लोग हैं जो आपकी कमोडिटी से सेटिस्फाइड है और आपकी कमोडिटी को परचेस करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट. सो इमर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गिव बर्थ टू द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कॉल्ड एज स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट. सो न्यू एंड सोफिस्टिकेटेड ई कॉमर्स पोर्टल. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो हम लोग ई कॉमर्स यानी कि अलग अलग मोबाइल अप्लायंस से हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, मोबाइल से करते हैं, लैपटॉप से करते हैं, जहाँ पे हमें किसी
कन्विंसिंग शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर बैठे बैठे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेलीफोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है। अगर आपको किसी दिन बाहर मतलब घर पे खाने का मन नहीं है तो आप किसी होटल में अगर कॉल करते हो तो फिर भी आपके मनपसंद खाना वो आपको लाके होम डिलीवरी कर जाता है। तो यहाँ पर टेलीफोन से ही आपका गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोसेस हो जा रहा है। सो हैव मेड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड सेलर एंड इट इज़ ईजी फॉर कस्टमर टू नो अबाउट क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस और हर चीज़। सो डिजिटल मार्केट कैन बी डिफाइंड एज मार्केट विच यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हम कॉल के थ्रू या टेक्नोलॉजी का के थ्रू सारी चीज़ें। अभी देखो जैसे अमेज़ॉन पे आप जाओ और आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें जान लेते हैं, उसके प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, फ़ीचर्स के बारे में, वारंटी के बारे में, गारंटी के बारे में, सारी चीज़ें ए टू जेड आप डिटेल देख जान जाते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसको स्पेस और डिजिटल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कहा गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट बारे में। आई होप मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है, ये पढ़ेंगे हम फिर पढ़ेंगे पार्ट टू में। तो टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ये कितने टाइप्स में, 7। पहला एरिया कवरेज, जहाँ पे लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल की बात होती है। फिर यहाँ पे टाइम, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, होलसेलर, रिटेलर। इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्मिनल। फिर नेचर ऑफ गुड्स, एक कमोडिटी है, एक कैपिटल मार्केट है। रेगुलेशन की बात करें, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट, जहाँ पे फ्री मार्केट जिसको कहा जाता है। कंपटीशन, एक परफेक्ट, दूसरा इम्परफेक्ट। चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड। सबसे पहले लोकल मार्केट, ये सबको तो आपको पता है, जोग्राफिकल लोकल एरिया, जहाँ पे आपके घर के नीचे मार्केट या आपके एरिया में मार्केट हो उसको लोकल मार्केट कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हो आपके देश, मतलब आपके एक स्टेट, जैसे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र का जो भी जोग्राफिकल एरिया है वहाँ का जो लोकल मार्केट है वो आपके लिए वो लोकल मार्केट हुआ, एक अगर ओवरऑल बात करें तो। और अगर हम छोटे लेवल पर बात करते हैं तो आपके घर के आसपास का ही मार्केट आपका लोकल मार्केट होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब वाइड में बात हो रही है तो फिर पूरा अगर एक स्टेट की बात है। लेकिन जब नेशनल मार्केट की हम बात करते हैं तो पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया कवर करता है। कि इंडिया के अंदर जब आप कहीं से भी कोई भी चीज़ें परचेस या बेचते हो तो वो होता है नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल की जब अब बात आती है तो वर्ल्ड वाइड की बात हम करते हैं, जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर की बात करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन या होता है एंड एक्सचेंज भी होता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम या टेन्योर भी कह सकते हैं इसको। तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर, मिल्क प्रोडक्ट्स। ये ऐसे कमोडिटी है जो पेरिशेबल होती हैं और वो वेरी शॉर्ट टर्म, 5 घंटे 6 घंटे वो रहते हैं और अपना सारा जो भी आइटम है वो बेचकर चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है शॉर्ट पीरियड टाइम। तो यहाँ पे एक तरीके का फेस्टिवल मार्केट है, जैसे आप मुंबई में ज़्यादातर संडे बाज़ार, मंडे बाज़ार या गांव में भी बाज़ार लगता है एक दिन का, तो उसको कहते हैं हम शॉर्ट पीरियड मार्केट, क्योंकि वो एक हफ्ते में एक दिन यहाँ पे, फिर दूसरे दिन वहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, पेरिशेबल गुड्स भी होते हैं और सेमी पेरिशेबल गुड्स भी होते हैं मार्केट में जो बेचे जाते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग पीरियड टाइम मार्केट। यहाँ पे ऐसा मार्केट है जो काफ़ी सालों से एक ही जगह पे है, जो यहाँ से वहाँ हिलता नहीं है। तो यहाँ पे पेरिशेबल भी आते हैं, नॉन पेरिशेबल। देखो बहुत सारे ऐसे इंसान भी हैं जिनके खुद के शॉप से और सब्जी काफ़ी साल, मतलब उनके दादाजी भी वही सब्जी बेचते थे, वो भी यही सब्जी बेच रहे, तो पूरा 2 जनरेशन ही बेच रहा है, तो वो भी लॉन्ग पीरियड में काउंट ही होता है, ठीक है। या कपड़े की दुकान है, गोल्ड की दुकान है, ये सब लॉन्ग पीरियड में काउंट होता है। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ट्रांजैक्शन। अब वॉल्यूम की आप बात करते हैं तो एक होलसेलर मार्केट होता है, दूसरा रिटेल। होलसेलर वो होता है जो बहुत ज़्यादा बल्की गुड्स में कमोडिटी को या चीप प्राइस में कमोडिटी को परचेस करता है, फिर रिटेलर को बेचता है। और रिटेलर क्या करता है, उसे कस्टमर तक पहुँचाता है। यानी कि इट रिफर्स मार्केट फॉर बल्क परचेस फॉर अ सेल ऑफ गुड्स।
तो ये हो गया होलसेलर। रिटेलर की बात करें तो रिटेलर क्या करता है, थोड़े से मतलब कम जितना रिक्वायर्ड होता है उतनी क्वांटिटी में वो होलसेलर से परचेस करता है और डायरेक्टली वो कंज्यूमर को बेच देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस। अब इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं, प्राइमरी इम्पॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए नेसेसरी है ना, जो गुड्स के बिना हम हर दिन सर्वाइव करते हैं, जो गुड्स के साथ, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स हो गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया, या फिर फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल, हमें हर दिन में चाहिए, है ना, क्योंकि हम फूड को कंज्यूम करते हैं, वेजिटेबल को कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स को करते हैं। सेकेंडरी की बात करें तो जो सेमी प्रोसेस्ड होता है या सेमी मैन्युफैक्चर्ड, जैसे यार्न मार्केट हो गया, आयरन या ओर मार्केट हो गया, जैसे कह सकते जो गुड्स नहीं बनाए, जैसे हम ऊन के कपड़े बनाने के लिए ऊनी धागे लेके आते, ये सारी चीज़ें हो गई, है ना, उसको सेमी मैन्युफैक्चर्ड या फिर सेमी प्रोसेस कहते हैं। टर्मिनल मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ पे अल्टीमेट कस्टमर होते हैं और वो गुड्स को ख़रीदते हैं, या फिर कह सकते हो वहाँ पे गुड्स को बेचा भी जाता है, ठीक है। अब वो लॉन्ग टर्म वाले गुड्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स। एक कमोडिटी मार्केट है, दूसरा कैपिटल मार्केट। कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे आपको गुड्स या मटेरियल या प्रोड्यूस गुड्स मिलते हैं, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स हुए जो कंज्यूमर अपने डेली मर्तबा के लाइफ में यूज़ करता है। इंडस्ट्रियल गुड्स वो हुए जो इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। कैपिटल गुड्स की, कैपिटल मार्केट की बात करते हैं, सो इट इज़ अ मार्केट ऑफ बोरोइंग, लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड। अब जैसे किसी इंसान को, एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो किसके पास जाएगा, वो कैपिटल मार्केट के पास जाएगा, क्योंकि कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो लोगों को उधारी में पैसा देता है लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जितना उसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये होता है कैपिटल मार्केट, इसकी एक मैच्योरिटी पीरियड होती है जहाँ पे जिसके साथ वो डील करता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। तो पहला है रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा अनरेगुलेटेड। रेगुलेटेड मार्केट वो है जहाँ पर गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जैसे कि रेगुलेटेड मार्केट रिफर्स टू मार्केट रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ अ कंट्री। जैसे एग्जांपल है कमोडिटी एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज या फिर फॉरेन एक्सचेंज। अनरेगुलेटेड मार्केट ये फ्री मार्केट है जहाँ पे ज़्यादा दिमाग, मतलब जहाँ पे ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। ये एक फ्री मार्केट है, किसी भी तरीके का कंट्रोल यहाँ पे नहीं होता है, किसी भी तरीके का स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं होता है, जनरली डिमांड और सप्लाई में। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। तो पहला है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा कॉम्पिटिशन है जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ बायर होते हैं एंड प्लस सेलर भी होते हैं जो होमोजेनियस प्रोडक्ट को बेचते हैं, और यही बायर और सेलर जो होते हैं जिनको परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का, है ना, तो वो होता है परफेक्ट मार्केट। दूसरा है तो इम्परफेक्ट मार्केट। तो इम्परफेक्ट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे मार्केट सिचुएशन, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जो कैरेक्टराइज होती है इम्परफेक्ट सिंगल सेलर, मल एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई, परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ बायर एंड सेलर। सो इम्परफेक्ट रिफर्स एज अ मार्केट सिचुएशन इन विच कैरेक्टराइज बाय मार्केट इम्परफेक्शन सच एज सिंगल सेलर, मतलब कोई चीज़ें रियलिस्टिक नहीं होती, परफेक्शन नहीं आता है, जैसे कि सिंगल सेलर है, या मल एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई है, या इम्परफेक्ट नॉलेज है अबाउट बायर एंड सेलर का, ठीक है। लास्ट वन इज परफेक्ट आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। पहला मोनोपोली, ये सिंगल सेलर मार्केट होता है जहाँ पर जो सेलर होता है वो गुड्स के प्राइस को डिसाइड करता है और उसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है सप्लाई पे, क्योंकि वो प्राइस जो है वो फिक्स करके रखता है और उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे हमारे इंडियन रेलवे आज भी मोनोपोली है। दूसरा है डुओपोली। ये एक ऐसा मार्केट है, देर आर टू सेलर सेलिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। दो सेलर हैं जो
या तो एक जैसा बेचते हैं अलग अलग बेचते हैं, बट ये दोनों ही जो सेलर होते हैं वो इंजॉय करते हैं मोनोपोली को, ठीक है। नेक्स्ट इज ओलिगोपोली, ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे कुछ कम ही सेलर होते हैं और वो प्रोड्यूस या सेलिंग करते हैं आइदर होमोजीनियस या फिर डिफ्रेंशिएट। यहाँ पे आप टेलीकॉम कंपनीज़ को ले सकते हो, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, है ना, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ को। एंड द लास्ट वन इज़ मोनोस्पोनी, ये एक ऐसी मार्केट है, मार्केट सिचुएशन व्हेन देयर इज़ अ सिंगल बायर ऑफ कमोडिटी और सर्विस। ये एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सिंगल बायर होता है, एक ही खरीदने वाला होता है, चाहे वो कमोडिटी हो चाहे वो हो सर्विस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग को हम पढ़ेंगे अगले पार्ट टू में और हम जानेंगे डीप में। तो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना ढेर सारा प्यार ज़रूर दें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन।